देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में इतनी बड़ी पार्टी है, आज की तारीख में पूरे भारत में उसका कोई तोड़ नहीं है। केंद्र में सरकार आएगी तो भोपाल में 4 लाख प्लस वोटों से माननीय आलोक शर्मा जी बेहतरी प्राप्त है। तो मैं समझता हूं कि उनको ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं कि भोपाल में जरूरतें क्या है। भारतीय जनता पार्टी को जो कैंडिडेट मिला है उससे अच्छा कैंडिडेट भोपाल में नहीं मिलता। मैंने कांग्रेस में बहुत सारे नाम देखे पर मेरा उनसे कभी मिलना नहीं हुआ। राम मंदिर है, उज्जैन का मंदिर है, धार्मिक से लेकर फर्श तक जो भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, तो एक पार्टी ने उस टाइम चुनाव टिकट दिया उनको क्योंकि वो पार्टी से जुड़ी हुई है। न्याय के पद पर चलने के लिए लोगों को सिखाना पड़ता है, तो वो कार्य अपना निरंतर जारी रखें। जब अंकुश नहीं लग रहा तो फिर हम कौन होते हैं उनको रोकने के लिए। उनके अपोजिशन में दिग्विजय सिंह भी थे, इसलिए टक्कर काफी कड़ी टक्कर मानी जा रही थी। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हम आज मतदाताओं से जो संपर्क कर रहे हैं उसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यू मार्केट व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय वलेचा जी। आइए हम उनसे भी जानते हैं कि क्या प्राथमिकता है उनकी, क्या सरकार से उनकी अपेक्षाएं हैं। वलेचा जी नमस्कार। सर, वर्तमान में 2024 के जो लोकसभा चुनाव अब हमारे सामने आ चुके हैं, उसमें जो कैंडिडेट्स हमारे हैं जैसे पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी भी रह चुके हैं और अरुण श्रीवास्तव भी हैं, आपको लगता है इन दोनों में कौन ज्यादा दमदार कैंडिडेट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में इतनी बड़ी पार्टी है, आज की तारीख में पूरे भारत में उसका कोई तोड़ नहीं है। तो आलोक शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, तो विजय श्री मैं समझता हूँ पिछली बार लगभग हम 3-3.5 लाख वोटों से जीते थे। इस बार हुआ तो 4 लाख प्लस, जैसे 400 पार केंद्र में सरकार आएगी तो भोपाल में 4 लाख प्लस वोटों से माननीय आलोक शर्मा जी बेहतरी प्राप्त करेंगे। वर्तमान में यदि मान लीजिए आपके कहने से वो सांसद बन जाते हैं तो क्या अपेक्षाएं न्यू मार्केट के विकास के लिए आप क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षाएं न्यू मार्केट व्यापारियों की? देखिए, वो जमीनी नेता है, 2 बार पार्षद और 1 बार महापौर और अभी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं कि भोपाल में ज़रूरतें क्या हैं। भोपाल के लिए वो अपने आप में, उनकी पैदाइश भोपाल की है और मैं भी बहुत छोटे से उनको जानता हूं, तो उनको मेरे को नहीं लगता कि भोपाल में बताने की जरूरत है क्या आवश्यकता है क्या नहीं। वो अपने आप में इतने सक्षम है और कामों को गंभीरता से लेते हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जो कैंडिडेट मिला है उससे अच्छा कैंडिडेट भोपाल में नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी ने अपना लोकसभा कैंडिडेट काफी पहले से डिक्लेयर कर दिया था, जबकि कांग्रेस को इसके लिए काफी समय लगा। अरुण श्रीवास्तव जी, आपको लगता है कि उनके अपोजिशन अगर अपन देखें तो एक दमदार कैरेक्टर के तौर पे आप देख सकते हैं, एक प्रत्याशी के तौर पे, कि उनको इतनी कड़ी टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मैं अरुण भैया को नहीं पहचानता हूँ। मैंने कांग्रेस में बहुत सारे नाम देखे पर मेरा उनसे कभी मिलना नहीं हुआ। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ सोच के उम्मीदवार उतारा हो, ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर है कि उन्होंने कैसा कैंडिडेट उतारा है। मैं उनसे मिलाकर जातिगत वोटों के आधार पे वो सोच रहे हैं कि 2 लाख मतदाता कास्ट वोटर हैं और उनका वोट बैंक को करके आपको लगता है कि 2 लाख वोटर्स एक साथ पूरे उनके अपक्ष में चले जाएंगे? देखिए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सामाजिक स्तर पर लोकसभा का चुनाव हो। ये पार्षद का चुनाव नहीं है कि व्यक्ति विशेष को देख कर वोटिंग होती है। ये लोकसभा चुनाव है, इसमें पार्टी का सिंबल बहुत बड़ा महत्व रखता है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में क्या क्या काम कर रही है, आज पूरे भारत में विकास हो रहा है। राम मंदिर है, उज्जैन का मंदिर है, धार्मिक से लेकर फर्श तक जो भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है उसका कोई तोड़ नहीं है। और मैं समझता हूँ आने वाले कल में कोई पार्टी बचेगी ही नहीं। जो दल बदल हो रहा है, कहीं दल बीजेपी में आ रहे हैं, कहीं बड़े बड़े नेता, सुरेश पचौरी जी प्रेसिडेंट बैंक बहुत बड़े सीनियर नेता थे कांग्रेस के, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में भी एक छोटी कांग्रेस जन्म ले रही है? देखिए, ऐसा नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी बड़े कुछ नेता को जो बड़े पद पर रह चुके हैं उनको पार्टी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि उनकी आज उम्र इतनी है तो उनको अपनी पार्टी में रहकर अपने वर्चस्व को बरकरार रखना चाहिए था। और वो आए हैं, उनकी मानसिकता है, उनकी सोच है कि वो पार्टी बदल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पार्टी में आपको सम्मान मिला उस पार्टी के साथ रहना चाहिए। पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह जी भारती जो हैं, उन्हें दिग्विजय सिंह जी को कड़ी टक्कर दी थी। पूरे देश में इस भोपाल लोकसभा सीट की काफी चर्चा थी पिछले चुनाव में। अब की बार वैसा माहौल देखने को नहीं मिल रहा है, क्या कारण हो सकता है? देखिए दीदी जो है प्रज्ञा दीदी वो अपने आप में वो भी बहुत संत हैं, साधु हैं। तो एक पार्टी ने उस टाइम चुनाव टिकट दिया उनको क्योंकि वो पार्टी से जुड़ी हुई हैं और आगे भी जुड़ी रहेंगी, क्योंकि जो सम्माननीय है वो सम्माननीय रहता है। और जब कोई साध्वी होती हैं तो साध्वी के लिए बहुत सारे काम होते हैं और न्याय के पद पर चलने के लिए लोगों को सिखाना पड़ता है, तो वो कार्य अपना निरंतर जारी रखेंगे। उनके अपोजिशन में दिग्विजय सिंह भी थे, इसलिए टक्कर काफी कड़ी टक्कर मानी जा रही थी। देखिए दिग्विजय सिंह जी इतने भाषण देते हैं कि उसकी वजह से मैं नहीं समझता हूँ कि कोई गंभीरता बची है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी भाषा शैली से उन्हीं की पार्टी को नुकसान हो रहा है? भैया बोलने वाले को जब अंकुश नहीं लग रहा तो फिर हम कौन होते हैं उनको रोकने के लिए। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।